दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकी एक्सप्रेस की ब्लॉग बनाएंगे जो कि मनिहारी से चलकर जयनगर तक जाती है। ट्रेन नंबर है 15283 और मेरा सफर रहेगा रुसरा घाट से दरभंगा जंक्शन तक। यह रुसरा घाट स्टेशन है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मनिहारी से चलते समस्तीपुर दरभंगा के रास्ते जयनगर तक जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 11 है। मनिहारी से रोसरा घाट तक की जानकी एक्सप्रेस की स्टॉपेज 16वां स्टॉपेज है। रोसरा में यह ट्रेन आने की टाइम है 6:02, तो हमेशा राइट टाइम पर यह ट्रेन आ जाती है। यह ट्रेन मनिहारी से 10:37 पर रात को खुलती है और रोसरा घाट में सेकेंड डे में सुबह में 6:02 पर आती है। दोनों ट्रेन आ रही है, क्रॉसिंग है। जानकी एक्सप्रेस भी आ रही है और समस्तीपुर से चलकर सहरसा तक जाती है, वो ट्रेन भी आ रही है। जानकी एक्सप्रेस 1 नंबर पर आ रही है और समस्तीपुर से सहरसा जाएगी, वो 2 नंबर पर आ रही है। तो मैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ और ये जानकी एक्सप्रेस आ गई। इस ट्रेन में अधिकतर रिजर्वेशन बोगी है और जनरल बोगी भी है, 2 बोगी आगे और 2 बोगी पीछे। सहरसा वाली ट्रेन खुल चुकी है, अब यह ट्रेन भी खुलेगी। ट्रेन खुल चुकी है। तो दोस्तों, रोसरा घाट से दरभंगा जंक्शन तक बीच में 11 रेलवे स्टेशन है, लेकिन जानकी एक्सप्रेस की स्टॉपेज सिर्फ 4 है। तो किस किस स्टेशन में यह ट्रेन रुकेगी और किस किस में नहीं रुकेगी, ये सारे चीज़ बताऊंगा और रास्ते में बहुत ही मज़ेदार दृश्य दिखाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए।
ये सिंगिया घाट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। यह अंगार घाट स्टेशन है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज नहीं है। यह भगवानपुर देसुआ स्टेशन है, यहाँ भी इसकी स्टॉपेज नहीं है और इसके बाद समस्तीपुर आने वाली है।
बाबा। लल्लू वाला नहीं चाहता हूँ। अकाउ ना लो ना। इतनी कहाँ है? समस्तीपुर जंक्शन आ गई और 3 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी हो रही है। यह समस्तीपुर जंक्शन है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक गाड़ी रुकती है, उसके बाद खुल जाती है। Yeah.
यह मुक्तापुर स्टेशन है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज नहीं है। यह किशनपुर स्टेशन है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज नहीं है। यह रामभद्रपुर रेलवे स्टेशन है और यह जयनगर टू पटना ट्रेन क्रॉस कर रही है। रामभद्रपुर रेलवे स्टेशन में जानकी एक्सप्रेस की स्टॉपेज नहीं है। यह हायाघाट स्टेशन है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज नहीं है।
यह थलवाड़ा स्टेशन है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज नहीं है। लहरियासराय स्टेशन आ गया है, यहाँ पर इसकी स्टॉपेज है और इसके बाद दरभंगा स्टेशन आने वाली है। ये लहरियासराय स्टेशन है।
दरभंगा स्टेशन आ गया। यह गुमती है, गुमती पार कर रहा है। तो दोस्तों, दरभंगा जंक्शन में गाड़ी रुक चुकी है और हम यहाँ पर उतरते हैं। और आप देखिए दरभंगा जंक्शन का दृश्य। दो नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी थी, तो दो नंबर प्लेटफार्म से एक नंबर प्लेटफार्म पर जा रहा हूँ पैदल पुल का इस्तेमाल करके। यह एक नंबर प्लेटफार्म है और यह निकलने का रास्ता है। राइट साइड में टिकट काउंटर है। यह स्टेशन के बाहर का फेस है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।